हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी को ले चलते हैं एक नई अपडेट की ओर। साथियों, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रीट 2018 लेवल फर्स्ट वेटिंग लिस्ट अनुमानित कट ऑफ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको इंतजार था कि रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग लिस्ट, कई प्रतिभागी अनेक वीडियो के नीचे कमेंट करके डिमांड कर रहे थे कि सर जल्द से जल्द रीट लेवल फर्स्ट की अनुमानित कट ऑफ की जानकारी दीजिए और विशेषज्ञों से ज्ञात करके अब हमें यह कट ऑफ तैयार करवाइए। और आप देख सकते हैं कि जो भी यह कट ऑफ आपको बताई जाएगी, इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कितनी तक आपके डीओबी को लेकर के समस्या आ सकती है, मतलब कि वास्तव में कट ऑफ कितनी जा सकती है, और उसके बाद में यदि कोई चयन होगा तो उनमें से कितनों का तो चयन हो जाएगा जो कि जिनके डीओबी में समस्या नहीं आएगी, और कितनों के डीओबी में समस्या आ सकती है। लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर यह पूरी कट ऑफ अनुमानित तैयार करवाई गई है। साथियों, इसमें अनेक विषय विशेषज्ञों से पूछा गया है कहां तक आपका चयन हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर जो तैयार की गई है, पूरी बिंदुवार आपको आगे दी जाएगी। तो चलिए साथियों, बिना देर किए ले चलते हैं आपको सीधा लेटेस्ट अपडेट वाली अनुमानित कट ऑफ की ओर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए साथियों, अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। हाँ, तो साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जनरल की पूर्व में का जो कट ऑफ गई थी 111 गई थी साथियों, और अब जनरल वेटिंग लिस्ट आप देख पा रहे होंगे 106 से 107 यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और जो भी भाई बहन इस 106 से 107 तक जो आ रहे हैं उनका यहाँ पर चयन होगा, यानी कि आपको बता दें कि 107 तक तो जिनका नंबर आ रहा है, जिनके मार्क्स आ रहे हैं 107 तक, उनका 100% दावे के साथ कह रहे हैं उनका चयन होगा। लेकिन 106 वालों का भी यहाँ पर कुछ एक का होगा, क्योंकि 106 वालों को डीओबी को लेकर समस्या आ सकती है। यहाँ पर 106 वालों के लिए 50-50 चांसेस बन रहे हैं। हालांकि 107 तक दावे के साथ कह रहे हैं कि 107 तक तो आपका चयन निश्चित होगा। जिन भी भाई बहनों के जनरल में 107 मार्क्स हैं वो निश्चिंत रहें और किसी भी प्रकार की व्याधि या टेंशन अपने मस्तिष्क में नहीं पालें। आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए, आपका चयन 100% सुनिश्चित है। तो चलिए साथियों, चलते हैं दूसरी कट ऑफ की ओर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ओबीसी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर 106 तक जा सकती है साथियों, और 105 वालों को यहाँ पर डीओबी को लेकर हो सकती है समस्या। यानी कि साथियों, वही सेम यहाँ पर 106 वाले जो भी भाई बहन हैं उनका तो यहाँ पर चयन 100% सुनिश्चित है, वो निश्चिंत रहिए। और 105 वाले उनकी उसी प्रकार जनरल की तरह 50-50 चांसेस हैं। यानी कि आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी साथियों कि यहाँ पर जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में एक नंबर का अंतर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 105 वाले भी कुछ एक का चयन जरूर होगा यहां पर, लेकिन जो ज्यादातर वही मतलब भाई और बहन है उनका यहां पर आपको जो चयन अगर 105 नंबर होते हुए भी रह सकता है तो वो डीओबी की समस्या को लेकर रह सकता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ओबीसी वेटिंग लिस्ट आपको 106 तक 100% आती हुई गिरती हुई दिखाई देगी। ले चलते हैं साथियों आपको दूसरी कट ऑफ की ओर। एमबीसी वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं साथियों, यहां 100 नंबर तक जा सकती है, 100% 100 नंबर वालों का चयन होगा। और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है आप देख सकते हैं कि 99 वालों को लेकर कि 99 वालों का चयन होगा, लेकिन ठीक उसी प्रकार ओबीसी और जनरल वालों के अनुसार उनको भी 99 वालों को भी डीओबी में लेकर समस्या आ सकती है। तो उनके भी वही सेम 50-50 चांसेस हैं। ले चलते हैं आपको एक दूसरे वर्ग की कट ऑफ की ओर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, एससी की वेटिंग लिस्ट भी आपको यहां पर 100 मार्क्स के आसपास दिखाई देगी, और 99 वालों की भी यहां पर चयन होगा, लेकिन वही सेम एमबीसी की तरह डीओबी को लेकर समस्या आ सकती है, और 50-50 चांसेस 99 मार्क्स वालों के एससी कैटेगरी में बन रहे हैं। तो साथियों, यह इस प्रकार कट ऑफ आपको बताई गई है। नीचे आपको ले चलते हैं एसटी वर्ग की कट ऑफ की ओर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह देखिए साथियों, एसटी वेटिंग लिस्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 95 नंबर आपको 100% गिरती हुई दिखाई देगी, और 94 वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन की उम्मीद जताई जा सकती है, और 94 में भी वही सेम अन्य वर्गों की तरह 50-50 चांसेस बन रहे हैं साथियों। एसटी वर्ग में 94 मार्क्स पर कुछ एक को डीओबी में लेकर समस्या आ सकती है, सेम वही चांसेस हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको यह अनुमानित कट ऑफ जो बताई गई है, यह हमें हमारे अनेक विशेषज्ञों से तैयार करवा करके बनवाई गई है, जिस प्रकार आप सभी की डिमांड थी कि सर जल्द से जल्द अनुमानित कट ऑफ का कोई वीडियो अपलोड कीजिए, और जिससे कि अनेक प्रतिभागी तनाव मुक्त हो सकें। तो साथियों, आपके इस जो
आपने आदेश दिया था इसके क्षेत्र में हमने उचित कार्यवाही करते हुए आपके लिए यह वीडियो बनाया। और साथियों, आप जैसा कि अभी भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी क्वेरी का समाधान करवा सकते हैं। यदि किसी भी कट ऑफ को लेकर के या कुछ भी किसी भी भर्ती प्रक्रिया को ले, और यदि फिर भी आपको हम कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या का समाधान करने में असफल होते हैं तो हम आपको जल्दी लेटेस्ट अपडेट के साथ नए वीडियो अपलोड करके आपके लिए उस क्वेरी का समाधान कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपको ये अपडेट और वीडियो पसंद आया तो इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा रीट वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने वाले लेवल फर्स्ट के प्रतिभागियों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि उनको इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके और वे भी अपने चयन को लेकर सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, इस प्रकार ये वीडियो और अपडेट आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोस मिलते रहे। और साथियों, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप वीडियो तो मिलते ही नहीं और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो धन्यवाद साथियों, आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। तो धन्यवाद साथियों, एक नए वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मित्रों।